न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को किया संभावित बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा। कहा, तैयारियों को रखें पूरा जिससे बाढ़ आने के बाद ना होने पाए कोई दिक्कत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी। किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। कोविड 19 महामारी व बाढ़ के मद्देनजर मंडलायुक्त के कार्यालय में स्थापित किया कंट्रोल रूम। मौजूद रहेंगे 24 घंटे अधिकारी व कर्मचारी, होगा समस्या का समाधान। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर बनाए गए हॉट स्पॉट एरिया बशारतपुर का एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में 10 नए मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 206, इसमें से 127 स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। एक्टिव केस 71, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चला रहे कोरोना मरीज का इलाज कर रहे गौतम बुद्ध हॉस्पिटल को एसडीएम सदर ने कराया सील। चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज कराने के दिए निर्देश, इलाके को किया हॉट स्पॉट घोषित। एसएसपी ने किया कोतवाली थाने का निरीक्षण, थाना परिसर में साफ सफाई, महिला हेल्प डेस्क सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाए गए वसुंधरा इनक्लेव व नतमलपुर के आदित्य नगर का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण, लोगों को किया जागरूक। कहा, बरतें सावधानी, बचे कोरोना महामारी से। नगर निगम का बढ़ेगा दायरा, जुड़ेंगे 31 गांव, नगर आयुक्त ने कहा। पंचायती राज विभाग से संस्तुति मिलते ही शुरू होगा कार्य। हिंदू जागरण मंच ने फूका चीन के राष्ट्रपति व उसके उत्पादक सामानों का प्रतीकात्मक पुतला। चीन को माकूल जवाब देने की सरकार से की मांग। महानगर में बिना मास्क और हेलमेट के घूम रहे लोगों को पुलिस ने किया चालान। सीओ कैंट ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चीन के राष्ट्रपति का किया प्रतीकात्मक पुतला दहन। चीन के विस्तारवादी नीतियों का किया विरोध। कहा, जनता करे चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार। और भारत और चीन सीमा पर हुए विवाद में शहीद हुए जवानों की शहादत पर आक्रोशित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने चीन के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, चीन के सामानों का करें बहिष्कार।